हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 8 का अंग्रेजी का त्रैमासिक परीक्षा का पेपर देखेंगे। इसमें पहला प्रश्न है फिलिंग द ब्लैंक्स विद द गिवन वर्ड। ये फिलिंग द ब्लैंक्स दिए गए हैं, पांच फिलिंग द ब्लैंक्स हैं। जैसे काना किस लिए जा, तो इसमें नेशनल पार्क हो जाएगा, द स्नेक, द क्वीन। तो बताना इसमें क्या हो गया। ड्यूरिंग द 1970 हाउएवर बिगन, तो इसमें दूसरे वाले में ये बाइट हो जाएगा, ये पहली वाली में हो जाएगा और बाकी हम देख लेंगे। मैच कॉलम करने के लिए पांच मैच करना है हमें। एक्साइटेड रिलीज रॉबर इट ओनली टेक्स फ्लोरा एंड फौना, तो बताना है। ये ट्रू फॉल्स दिए गए हैं, तो सभी ट्रू फॉल्स देख लेंगे। पांच ट्रू फॉल्स हैं हमारे। चौथे वाले में इसको पैसेज को अच्छे से पढ़ना है केयरफुली, और नीचे ये क्वेश्चन दिए गए हैं उनके आंसर बताने हैं। चार पांच क्वेश्चन हैं, सभी के हमें आंसर बताएं। तो एक बार पूरी पैसेज देख लेंगे और पूरे आंसर हम देख लेंगे। अगला है चूज द करेक्ट आंसर। सही जोड़ी दी गई है, चूज करना है। तो ये पांच इसमें भी दिए गए हैं, तो पाँच के पाँच हम ये देख लेंगे। छठवें वाले में राइट शॉर्ट नोट, शॉर्ट नोट बताना है एनी वन, किसी एक पे। आंसर ओनली इज वन वर्ड, वन वर्ड। वन हु कट्स वुड कटर हो जाएगा, वन हु मेक्स ज्वेलरी तो क्या हो जाता है, ज्वेलर हो जाएगा। वन हु ट्रेवल, जो ट्रेवलर होता है ऐसी हमें। वन हु ट्रीट पेशेंट तो डॉक्टर होता है। वन हु टीचर तो टीचर होता है। आंसर में आंसर देना है इन दोनों प्रश्नों में। चार यहाँ पे दिए गए हैं, यहाँ पे छः दिए गए हैं, तो ये क्वेश्चन देख लेंगे। डूएज डायरेक्टिव दिए गए हैं, तीन हमारे डूएज डायरेक्टिव यहाँ पे हैं और दो यहाँ पे डूएज डायरेक्टिव दिए गए हैं। ग्यारहवें वाले क्वेश्चन पे क्या करना है कि एप्लीकेशन लिखना है हेडमास्टर के लिए। टेक्स्ट बुक और एज योर वर एबसेंट ऑन द डे देवर डिस्ट्रीब्यूटेड, टेक्स्ट बुक के लिए। और इसमें फोर लाइन की पोएम लिखना है, पोएम नाम और उस पोएम का नाम और उस पोइट का नाम मतलब कवि का नाम, इसने स्टैंजा ऑफ पोएम बताना। राइट द ऐसे ऐसे लिखना है इसमें, ये माई स्कूल, एनी ग्रेट लीडर या ग्रेट मैन और एनी फेस्टिवल, तीन में से किसी एक पर क्या लिखना है, ऐसे लिखना है।